अमेरिका हमेशा अपने दुश्मनों को याद रखता है, भले ही उससे बदला लेने में कुछ साल लग जाए, लेकिन अमेरिका अपने दुश्मनों को भूलता नहीं है। इस कड़ी में अमेरिका ने कासिम सुलेमानी को मौत की नींद सुला दिया है। कासिम, जो बीते 40 वर्षों से अमेरिका के खिलाफ बोलता आया था, जो हर मौके पर अमेरिका के खिलाफ कार्य करता था, उसकी मौत डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर कर दी गई है। बता दें कि कासिम सुलेमानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉरपोरेशन का मेजर जनरल था और 1998 में से अब तक वह ईरानी सेना का कमांडर के पद पर तैनात था। अमेरिका के लिए कासिम बीते 40 वर्षों से सिरदर्द था। इराक के कदस फोर्स के प्रमुख मेजर जनरल कासिम सुलेमानी का काफिला बगदाद एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। उसी दौरान अमेरिका की सेना ने रॉकेट लॉन्चर से हवाई हमला कर दिया। इस हमले में सुलेमानी के अलावा ईरान समर्थित सेना के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल महवासिद के भी मारे जाने की भी बात की जा रही है। सुलेमानी अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप का विरोधी था और कई बार उसने कई मौकों पर अमेरिका के खिलाफ एक्शन लिए थे। 1980 के दशक में जब ईरान और इराक के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा था, उस समय अमेरिका ने इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन की मदद की थी। बस तब से ही सुलेमानी और अमेरिका के बीच दुश्मनी का सिलसिला जारी था, जिसका अंत अमेरिका ने सुलेमानी की जान लेकर किया। सुलेमानी आईएस के खिलाफ कुर्द लड़ाके तैयार करता था। इराक को आतंकवादी इस्लामिक स्टेट से बचाने के लिए सुलेमानी ने बड़े कदम उठाए थे। उसने ईरान समर्थित पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स का गठन किया था, जिसका डिप्टी कमांडर मुहादिस को बनाया गया था। सुलेमानी धीरे धीरे अपनी पकड़ दूसरे इस्लामिक देशों तक बना रहा था, जिसके कारण अमेरिका को चिंता थी। इस कारण उसने सुलेमानी को मारने का मास्टर प्लान बना लिया था। सुलेमानी की मौत का आदेश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था। व्हाइट हाउस द्वारा जारी ट्वीट्स में साफ लिखा गया है कि इस अटैक का आदेश ट्रंप ने ही दिया था। बाकी सारी खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। Web23 न्यूज रूम से अंजलि की रिपोर्ट।